डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टुडेस वीडियो। आज की वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड, गारंटीड शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने बताया था राइट कि जो चैप्टर है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, इट्स वर्थ 6 मार्क्स। तो आई टेल यू नाउ व्हाट आर द क्वेश्चंस व्हिच यू हैव टू डू, ताकि अगर यू आर प्लानिंग टू स्किप द चैप्टर तो भाई साहब प्लीज डोंट स्किप द चैप्टर, जस्ट डू दीज क्वेश्चंस, क्योंकि इनमें से लाइक मोर देन 90% चांसेस आर देयर कि क्वेश्चंस फ्रॉम दीज मेनी क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, तो बिना बकवास किए, बिना बकर किए, लेट मी डायरेक्टली गेट स्टार्टेड विद द वीडियो, जहां पर सबसे पहली चीज आई हैव टू टेल यू कि नेम रिएक्शन इज देयर। आई होप यू नो द नेम रिएक्शन, विच इज रोजेनमैन्स रिडक्शन। मतलब बहुत सारे चांसेस हैं कि ही विल आस्क यू टू टेल लाइक व्हाट आर द रिएजेंट्स यूज्ड इन रोजेनमैन्स रिडक्शन रिएक्शन। तो सबसे पहला पता होना चाहिए, यू हैव टू टेक बेंजाइल क्लोराइड C6H5COCl एंड दिस कैन बी कन्वर्टेड डायरेक्टली टू बेंजल्डिहाइड। मतलब बेंजाइल क्लोराइड से डायरेक्ट अगर बेंजल्डिहाइड बनाना है, यू हैव टू यूज हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम BaSO4, वेयर BaSO4 इज एक्टिंग एज अ पॉइजन। सो दिस इज बेरियम सल्फेट एडेड टू पैलेडियम एंड यू विल बी एडिंग हाइड्रोजन, सो C6H5COCl विल बी कन्वर्टेड टू बेंजल्डिहाइड। तो या तो वो नेम रिएक्शन के तरीके से पूछेगा, अगर नहीं तो ही विल आस्क यू टू कन्वर्ट दिस टू दिस। तो पता होना चाहिए कि ही इज टॉकिंग अबाउट रोजेनमैन्स रिडक्शन। ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। अदर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि कन्वर्जन के तरीके से ही कैन आस्क यू, दैट इज सपोज यू हैव RCOOR, मतलब सम एस्टर इज गिवन और वो बोले कि भाई साहब इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करके बताओ क्या बनेगा, या वी हैव RC(NN) एंड ही इज आस्किंग यू टू कन्वर्ट इट टू RCOH। तो कैसे करते हैं, द रिएक्शन इज डन यूजिंग Dibal H, this is diisobutyl aluminium hydride and this is just hydride donor, so cyanide and esters will be reduced to aldehydes directly। तो देखो ये तीन ऐसी चीजें हैं जो पेपर में कहीं ना कहीं होंगी फॉर श्योर, या तो नेम रिएक्शन के तरीके से ही कैन आस्क यू, नहीं तो इन द कन्वर्जन क्वेश्चन ही कैन आस्क यू। अब एस्टर में ही विल नॉट गिव यू RCOCr, ही गिव यू लाइक मिथाइल एथेनोएट, प्रोपाइल ब्यूटेनोएट, लाइक दैट, एंड इट इज टू बी कन्वर्टेड टू एल्डिहाइड। तो कैसे करेंगे, Dibal H। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई साइनाइड दे रखा है विच इज टू बी कन्वर्टेड टू एल्डिहाइड डायरेक्टली, तो डू रिमेंबर Dibal H कैन बी यूज। तो ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, अच्छे से दिमाग में बिठा लो, दीज कैन बी आस्क्ड। ठीक है, ओके, यहां तक करने के बाद नाउ आई हैव अनदर क्वेश्चन विच इज इंटेक्स 12.2। लेट मी फर्स्ट सर्च 12.2 index question, give me a second, okay, so index question 12.2 mein there are 4 parts which are given and all the 4 parts are really good, ek ek karke karati hu। give me 1 second, सफाई अभियान भी जरूरी है राइट। सो ये बोल रहा है यू हैव टू टेल द स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। सबसे पहले ही हैज टेकन बेंजीन एंड इसमें ये ऐड कर रहा है C2H5COCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ CS2। CS2 एक जस्ट सॉल्वेंट है। ये तो 11th ग्रेड का क्वेश्चन है, बेंजीन की रिएक्शन RCOCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, कौन सी रिएक्शन है, फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। सो दिस ग्रुप विल कम ऑन टू द बेंजीन, क्या बन जाएगा, CO(CH2CH3), फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, मार्क करो, इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इज वी हैव C6H5CH2 ट्वाइस कैडमियम प्लस इसकी रिएक्शन उसने कराई है विथ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3COCl।
ये देखो वैसे तो ये रिएक्शन एनसीईआरटी में गिवन है, बट एनसीईआरटी में जो रिएक्शन गिवन है ना, दैट इज एज आर टू सी डी, इसको बोलते हैं डाई एल्काइल कैडमियम. इसकी रिएक्शन कराएंगे ना आर सी ओ सी एल के साथ, तो इट इज जस्ट यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन. एक आर ग्रुप यहां से उठाओ और यहां पे लगा दो, इट विल फॉर्म आर सी ओ आर लाइक दिस. ठीक है, क्या किया मैंने, दिस इज सी सिक्स एच फाइव सी एच टू ट्वाइस सी डी आर टू सी डी, यू आर रिएक्टिंग इट विद सी एच थ्री सी ओ सी एल, तो क्या बनाएंगे सी एच थ्री सी ओ. ये ग्रुप सेम रहा, टेक आउट द क्लोरीन एंड पुट वन ऑफ द ग्रुप हियर, सो क्या बन जाएगा सी एच टू सी सिक्स एच फाइव, दैट्स इट. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड्स में कैन बी आस्क्ड. लिख लिया, आगे देखो अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, ग्रेड इलेवेंथ का क्वेश्चन है ये तो वैसे, बट ग्रेड ट्वेल्थ में भी कराते हैं. यू हैव प्रोपाइन की रिएक्शन करानी है सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, इसकी रिएक्शन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ एच जी टू प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ एच टू एस ओ फोर. यार ये कुछ नहीं, दिस इज नथिंग बट हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, हाइड्रेशन ऑफ प्रोपाइन. और एक बात बताती हूँ, वैसे इसके अंदर कीटो इनोल्ड ऑटोमेरिज्म होता है, इफ यू डोंट वॉन्ट द मैकेनिज्म यू कैन डायरेक्टली गो टू द आंसर, बट मैं मैकेनिज्म करके दिखाती हूँ. सो वी हैव सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, अटैक होगा एच जी टू प्लस पे, तो वॉट विल बी फॉर्म्ड एच जी, और यहां पे हटा दो, दिस काइंड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म्ड. ठीक है, अब हम अटैक कराएंगे पानी का. अब ये एच जी वाला कॉम्प्लेक्स इज बिगर, तो वॉटर का अटैक होगा इधर, ताकि एच जी कैन गो टू द कार्बन विच इज लीस्ट स्टेरिकली हिंडर्ड, तो क्या बनेगा सी एच थ्री सी ओ एच टू प्लस एंड देन डबल बॉन्ड सी एच, एच जी का कॉम्प्लेक्स इज. अब हम एन ए बी एच फोर डालते हैं एंड दिस विल बी गोइंग अवे, मतलब वो हमें पूरा मैकेनिज्म की डिटेल नहीं करनी है, इट्स नॉट देयर इन ट्वेल्थ. तो फाइनली क्या बन जाएगा सी एच थ्री सी ओ एच डबल बॉन्ड सी एच. ठीक है, बट दिस कंपाउंड इज नॉट स्टेबल, इट विल अंडरगो कीटो इनोल्ड ऑटोमेरिज्म. क्या बनेगा, ये इधर आया, दिस विल कम हियर, सो इट विल फॉर्म सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच डॉट डॉट विद अ प्लस एंड अ सी एच पे माइनस. ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन, सो इट शुड बी सी एच टू, जब ये गया तो एक एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ जाएगा, मतलब हाइड्रोजन विल बी एडेड एंड एच जी विल बी रिमूव्ड. तो व्हाट विल हैपन, दिस एच प्लस दिस नेगेटिव विल बी टेकिंग आउट दिस एच प्लस, तो क्या बन जाएगा सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री, एसीटोन विल बी फॉर्म. अगर मैकेनिज्म में नहीं जाना, बोर्ड्स में कोई भी नहीं पूछेगा, बट क्या लिखोगे प्रोपाइन की रिएक्शन करो विद एच जी टू प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ एच टू एस ओ फोर, मतलब दिस इज नथिंग बट हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, तो क्या बनेगा एसीटोन. ठीक है, यहां तक कोई नहीं बना के आएगा, दिस इज रॉन्ग, यू विल नॉट मेक इट टिल हियर, दिस इज रॉन्ग, सो यू हैव टू एंड अप गेटिंग एसीटोन. ठीक है, ओके, तो ये था थर्ड पार्ट. नाउ फोर्थ पार्ट, अनदर वेरी वेरी गुड पार्ट इन टर्म्स ऑफ बोर्ड एग्जाम्स. एक सेकेंड, क्या है ये, सॉरी, सो द क्वेश्चन इज यू हैव सी एच थ्री, एक बेंजीन पे लगा हुआ है और नीचे है नाइट्रो ग्रुप, और इसमें इसने डाला है सी आर ओ टू सी एल टू इन द प्रेजेंस ऑफ एच थ्री ओ प्लस, सी आर ओ टू सी एल टू इन द प्रेजेंस ऑफ एच थ्री ओ प्लस. याद है ये किस चीज का रिएजेंट है, दिस इज द रिएजेंट फॉर अ नेम रिएक्शन विच इज नोन एज इटार्ड्स रिएक्शन. तो या तो वो इटार्ड्स रिएक्शन की नेम रिएक्शन पूछेगा, नहीं तो यू कैन रिमेंबर कि सी आर ओ टू सी एल टू डालेंगे और अगर टॉलवीन दे रखा होगा इट विल बी डायरेक्टली कन्वर्टेड टू सी एच ओ, एंड ये सब सेम रहेगा. ठीक है, देखो रट्टा कैसे मारना है, मतलब मैंने बचपन में ऐसे रट्टा मारा था, इटार्ड को कई बार हम ई ऐसे भी लिख देते हैं ना, सो ई में कितने आ रहे हैं, देर आर टू कार्बन विच आर कमिंग लाइक दिस, सो सी आर ओ टू सी एल टू, मतलब कार्बन का मतलब सी सी दो बार आ रहा है, सो सी आर ओ टू सी एल टू कहां पे यूज होगा, इटार्ड रिएक्शन में, और क्या बन जाएगा एल्डिहाइड सी एच. ठीक है, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. तो यहां तक तो मैंने बताया कि दीज आर द रिएक्शन काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड, तो यहां तक आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई. ठीक है, अगर यहां तक चीजें समझ आ गई, नाउ लेट अस डू एग्जाम्पल 12.4. वन सेकेंड, वी हैव ओके एग्जाम्पल 12.4, एक बहुत ही धासु बहुत ही तगड़ा एग्जाम्पल है.
जिसके आने के चांसेस बहुत 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 सारे हैं. देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन. इट सेज, गिव मी जस्ट वन सेकेंड, ये जो एबीसीडी वाला क्वेश्चन होता है ना, दैट्स दिस क्वेश्चन. एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H8O. ए है जिसका फॉर्मूला है C8H8O. देखना रेशियो ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन 1:1 है ना, तो मतलब बहुत सारे चांसेस है कि इसमें एक बेंजीन रिंग होगी. ठीक है, जब भी सी और हाइड्रोजन के रेशियो पास पास होते हैं 1:1 के अकॉर्डिंग, तो बेंजीन रिंग होती होती है. इट सेज दिस फॉर्म्स एन ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट विद 2,4-DNP. 2,4-DNP के साथ ये ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट बनाता है. गुड एनफ. एंड गिव्स येलो प्रेसिपिटेट ऑन हीटिंग विद आयोडीन. आयोडीन के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस NaOH के साथ, तो इट विल गिव यू येलो प्रेसिपिटेट. ठीक है, पहले ये लिख लिया करो, दिस इज ऑलवेज अ गुड थिंग कि अगर यू कैन मेक द फ्लो चार्ट. आगे वो बोल रहा है इट नीदर रिड्यूसेस टॉलेंस नॉर फेलिंग्स. टॉलेंस फेलिंग्स को रिड्यूस नहीं करता. देन इट सेज नॉर इट डीकलराइजेस ब्रोमीन वाटर और बेयर्स रिएजेंट. ब्रोमीन वाटर को नो डीकलराइजेशन इट डज. ठीक है, ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन विद क्रोमिक एसिड. कहां लिखूं, HCRO4. भाई साहब क्रोमिक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए. HCRO4 इट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड. इसके साथ ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन करते हैं, इट गिव्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड बी. बी इज कार्बोक्सिलिक एसिड हुज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C7H6O2. ये भी क्लियर है कि C7H6 मतलब रेशियो आजू बाजू में 1:1 के अकॉर्डिंग है, तो ये बेंजीन का कोई ना कोई एसिड होगा. एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई ए एंड बी एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड. देखो आधे लोग इन क्वेश्चंस में क्या करते हैं, ए और बी तो बता देते हैं बट दे फॉरगेट टू राइट द रिएक्शन. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू राइट द रिएक्शंस ऑल्सो, क्योंकि अच्छे भले 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, अब देखना कार्बोक्सिलिक एसिड विद द फॉर्मूला C7H6O2 करके देखो. दिस शुड बी बेंजोइक एसिड फॉर श्योर, क्योंकि 6 कार्बन तो बेंजीन के, 1 कार्बन इसका, गिनना. सो 7 कार्बन, हाइड्रोजन कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड O2. तो चलो बी तो हमें पता चल गया, इट हैज टू बी बेंजोइक एसिड. ठीक है, ओके. नाउ इट सेज ए गिव्स येलो प्रेसिपिटेट विद I2 इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH. मतलब दिस इज शोइंग आइडोफॉर्म रिएक्शन, राइट? और अगर आइडोफॉर्म रिएक्शन बनती है तो मिथाइल कीटोन्स, तुम्हें पता होगा कि मिथाइल कीटोन्स जो होते हैं दे जनरली शो आइडोफॉर्म रिएक्शन. और मैंने बोला कि फॉर्मूला देखो C8H8O, मतलब कि एक बेंजीन तो है ही है तो बनाना. और मैंने बोला कि मिथाइल कीटोन का मतलब है इट हैज टू हैव अ COCH3 ग्रुप. COCH3 ये बन गया, मतलब मिथाइल कीटोन है. सो यस, इट विल शो द रिएक्शन विच इज आइडोफॉर्म रिएक्शन. तो मेरे ख्याल से एक बार इसका फॉर्मूला निकाल के देखते हैं. सो 6, 7, 8 C8 एच कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सही है, C8H8O. ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग अभी इट इज नॉट कंफर्म्ड कि दिस कैन बी द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड ए. ठीक है, आगे देखो, ये हटा दिया जाए, ये हटा दिया जाए. तो इट सेज इफ इट फॉर्म्स अ येलो प्रेसिपिटेट तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला, लाइक व्हेन दिस रिएक्ट्स विद I2 तो ये बनाएगा COO-Na+ and CHI3, द येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आइडोफॉर्म. ठीक है, तो ये भी हमने लिख लिया, ये लिख लिया. देन इट सेज इट डजंट रिड्यूस टॉलरेंस एंड फेलिंग्स. सही बात है यार, इट्स अ कीटोन, इट डजंट रिड्यूस टॉलरेंस एंड फेलिंग्स, ये भी ठीक हो गया. अब इट सेज इट डजंट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर. ब्रोमीन वाटर को तब डीकलराइज करेगा ना अगर डबल बॉन्ड सेपरेटेड हो, बट नाउ डबल बॉन्ड इज अ पार्ट ऑफ बेंजीन रिंग, सो बेंजीन रिंग डजंट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर. ये फैक्ट भी क्लियर हो गया. एवरीथिंग इज क्लियर. यस, दिस थिंग ऑन ऑक्सीडेशन विद क्रोमिक एसिड क्या बनाएगा,
कीटोन्स की अगर हम ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन करते हैं विद HCRO4, तो यस कुछ भी हो जाए ये जो है इट विल गेट रिड्यूस, मतलब ऑक्सीडाइज टू COH, यही का यही बना रहा है, दैट्स ऑल्सो कूल, ठीक है. एंड इट सेज इट फॉर्म्स 2,4 डीएनपी टेस्ट. अगर इट गिव्स 2,4 डीएनपी टेस्ट, मतलब इट हैज टू बी ईदर एल्डिहाइड और इट हैज टू बी अ कीटोन. यस इट सैटिस्फाइज, इट्स अ कीटोन, ठीक है. अब 2,4 डीएनपी के साथ रिएक्शन भी लिख के आनी है, भूलना नहीं है. आई विल शो यू हाउ टू राइट द रिएक्शन. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. तो यार इन क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंट थिंग ये होती है कि समझ तो आ जाता है बट रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है. मतलब यू शुड राइट एवरीथिंग इन स्टेप्स, क्योंकि सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन विल बी आस्क्ड. तो 2,4 डीएनपी का स्ट्रक्चर बनाना. दिस इज 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल. तो देखना 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन. चलो पूरा लिख देती हूँ. हाइड्राजीन क्या होता है? NH2, ठीक है. ये तो क्या हो गया? हाइड्राजीन. बट मुझे क्या बनाना है? फिनाइल हाइड्राजीन. तो फिनाइल हाइड्राजीन कैसे बनाऊंगी? एक हाइड्रोजन हटा दो, बेंजीन लगा दो, ठीक है. सेकेंड और फोर्थ पोजिशन पे नाइट्रो ग्रुप है. सो सेकेंड फोर्थ पोजिशन पे नाइट्रो ग्रुप. दिस इज 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन. इसकी रिएक्शन करानी है हमें विथ COCH3. क्या करेंगे? दोनों को आमने सामने लिखो, पानी हटा दो, रिमूव वॉटर. सो वॉट विल बी फॉर्म? NO2, NH, N, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड CH3. दिस इज ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट ऑफ 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन विद द कंपाउंड, ठीक है. तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम फॉर सीधा साधा 5 मार्क्स. तो प्लीज ध्यान से समझ लेना. क्लियर हो गया? गुड. तो इफ दिस इज डन, लेट मी कंटिन्यू फर्दर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. गिव मी अ सेकेंड. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोला था उस दिन विच इज इंपॉर्टेंट इज एग्जाम्पल 12.4 हो गया है. नाउ वी हैव, यस यू हैव बेंजल्डिहाइड एंड अगर यू आर पुटिंग हॉट कॉन्सेंट्रेटेड NaOH. कहां पे यूज होता है हॉट कॉन्सेंट्रेटेड NaOH? इफ यू रिमेंबर. अच्छा, कोल्ड डाइल्यूट NaOH कहां यूज होता है? रिमेंबर एल्डोल कंडेंसेशन में, वहां पे अल्फा हाइड्रोजन होने की जरूरत थी. बट अगर कॉन्सेंट्रेटेड हॉट NaOH दे रखा है, दैट मींस इट विल अंडरगो कैनिजारोस रिएक्शन. कैनिजारो में क्या होता है? वन मॉलिक्यूल, लाइक टू, यू विल टेक टू मॉलिक्यूल्स, वन ऑफ देम विल बी कन्वर्टेड टू अल्कोहल, वन विल बी कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड. तो अगर यू स्टार्ट विद बेंजल्डिहाइड, तो यू विल एंड अप गेटिंग बेंजोइक एसिड एंड बेंजाइल अल्कोहल. यहां पे फिनोल मत बना के आना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा. दिस कार्बन विल नॉट गो एनीवेयर. अगर यू मेक फिनोल, मतलब कार्बन कहीं चला गया, राइट? सो वन ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी ऑक्सीडाइज्ड एंड वन ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी रिड्यूस्ड. तो ही विल नॉट आस्क यू व्हाट इज कैनिजारोस रिएक्शन, बट ही कैन आस्क यू इसके प्रोडक्ट्स बताओ. सो रिमेंबर कि दिस इज कैनिजारोस रिएक्शन, ठीक है. ओके, ये हो गया. नाउ लेट अस डू एल्काइल बेंजीन से बेंजोइक एसिड कैसे बनाते हैं. एक बार यहां तक लिखो, देन आई विल कंटिन्यू. ओके फाइन, आई थॉट कि फोन बंद हो गया, तो दैट इज व्हाई आई वेंट टू चेक. अच्छा, क्वेश्चन था कि कोई भी अल्काइल बेंजीन है, लेट्स से दिस, से यू हैव टू मेक बेंजोइक एसिड, या लेट्स से यू हैव दिस, और इससे हमें बनाना है बेंजोइक एसिड. कोई भी क्वेश्चन आ जाए जहां पे बेंजीन के ऊपर आर ग्रुप इज देयर एंड उससे यू हैव टू गेट इट कन्वर्टेड टू बेंजोइक एसिड. तो क्या करते हैं? जस्ट ऐड KMnO4. बट ये कंफर्म होना चाहिए कि दिस कार्बन शुड हैव एटलीस्ट वन हाइड्रोजन. जितनी मर्जी लंबी चेन हो, बट वन हाइड्रोजन हैज टू बी देयर विद दिस कार्बन. सो व्हाटएवर विल बी देयर, दिस विल गेट कन्वर्टेड टू COH, विल गेट कन्वर्टेड टू COH. तो याद रखो, द रिएजेंट इज KMnO4. ये कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है. क्लियर? ओके, सो इफ यहां तक इज क्लियर, लेट मी रिमूव दिस एंड कंटिन्यू फर्दर. अब जो क्वेश्चन है वो है दिस इज अ कन्वर्जन क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दिस इज हाउ विल यू कन्वर्ट
benzyl alcohol to phenyl ethanoic acid. Phenyl ethanoic acid. आधे लोगों को तो बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मूला ही नहीं पता होता. देखो, कभी भी द वर्ड आइल इज द बेंजाइल अल्कोहल इज द, तो इसका मतलब फिनोल नहीं होता. इट मींस बेंजीन इज अटैच टू अ कार्बन एंड देन विच इज अटैच टू ओएच. सो इसको, इस कार्बन को बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन. ठीक है, सो दिस इज बेंजाइल अल्कोहल एंड इसको कन्वर्ट करना है फिनाइल इथेनोइक एसिड. ये तो हो गया एथेनोइक एसिड और इस पे लगा हुआ है फिनाइल. ठीक है, अब एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखो. बाय द वे, दोज हु हैव वॉच्ड द वीडियोस फॉर कन्वर्जन, गुड एनफ. मैंने 3-4 वीडियोस रिकॉर्ड करी हैं फॉर द ट्रिक्स ऑफ कन्वर्जन. मेक श्योर यू आर वॉचिंग देम बिकॉज कन्वर्जन इतनी सारी हैं कि मतलब आई कांट से कि यही वाली कन्वर्जन आएगी. दैट विल बी अ वेग स्टेटमेंट. आई विल नॉट से लाइक दैट, बट दिस इज लाइक एन इंपॉर्टेंट कन्वर्जन. ठीक है, तो इफ यू आर नॉट ओके विद कन्वर्जन, प्लीज डू वॉच द वीडियोस आई हैव रिकॉर्डेड फॉर tricks of conversion, they will be really helpful. ठीक है, अगर यहां पे देखें ये चीज सेम है. CH2 is same. यहां पर OH and यहां COH is there. मतलब one extra carbon is there. And I told you in so many videos कि भाई extra carbon कैसे लेके आते हैं, by using मतलब cyanide. सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए cyanide ले लो, extra carbon आ जाएगा. And in the chapter, in this chapter also, in amines chapter also, you must have studied ki agar I do hydrolysis of cyanide to kya ban jata hai, carboxylic acid. This is one of the preparation of carboxylic acid ki cyanide ki hydrolysis karo, it will form carboxylic acid. So I don't know yahan se yahan kaise jaye, but I know ki shayad yahan se yahan jana to mujhe aata hai. Ab CN kaise la sakte hain, एक ही रिएक्शन एनसीईआरटी में गिवन है सीएन को लाने के लिए, विच इज द रिएक्शन ऑफ केसीएन. अब केसीएन के किसके साथ रिएक्शन करते हैं इन द चैप्टर, हैलो एल्केन्स हैलोरीन्स CH2Cl के साथ. तो मतलब ये कैसे बनेगा, आई वुड हैव रिएक्टेड CH2Cl विद केसीएन, इट विल फॉर्म CH2CN. अब OH से Cl कैसे लाते हैं, लाइक हाउ टू कन्वर्ट एल्कोहल टू एल्काइल हैलाइड, सिंपली नथिंग, एड HCl, इट विल फॉर्म CH2Cl. सो दिस इज द मेथड for the conversion of benzyl alcohol to phenyl ethanoic acid. Awesome question, can be asked, so please dhyan se samajh lo. Theek? Okay. So if this is done, let's continue further. Now, the question that I have is, HVZ reaction, you should know what is Hell, Wohlard, Zelinsky reaction. मुझे बोलना नहीं आता, but you should know the name reaction. Suppose करो we have RCH2COH. ठीक है, इसके अंदर मैंने डाला सबसे पहले Br2 in the presence of red phosphorus या Cl2 in the presence of red phosphorus and फिर हमने डाला H3O+ second number पे. ठीक है, तो क्या होता है COOH के बाजू वाला जो कार्बन है, ठीक है, दैट विल बी गेटिंग वन हैलोजन एटम. सो दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज अल्फा कार्बन. सो अल्फा हैलो मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के बाजू वाला कार्बन इज अल्फा कार्बन. सो अल्फा हैलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स विल बी फॉर्म्ड. कई बार ही कैन आस्क यू कन्वर्जन कि भाई इससे लेट्स से तुम्हें ये बनाना है RCH OH COH. ये भी कन्वर्जन ट्रिक में आई हैव कवर्ड कि सपोज ही सेज यहां से यहां जाना है, देन हाउ विल यू गो. तो ध्यान से देखो, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग विद COH. द ओनली थिंग यू आर डूइंग इज कि बाजू वाले कार्बन पे यू आर पुटिंग OH. देर इज नो मेथड टू डायरेक्टली पुट OH ऑन बाजू वाला कार्बन. सो हाउ विल यू डू, रिमेंबर अगर बाजू वाले कार्बन पे कुछ भी हो रहा है तो यू आर यूजिंग HVZ रिएक्शन विच इज Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस एंड H3O+. तो पहले Br यहां ले, फिर पुट एक्वस KOH और एक्वस NaOH, यू विल गेट द आंसर. ठीक है, वन सच क्वेश्चन रिलेटेड टू द सेम कॉन्सेप्ट इज देयर इन कन्वर्जन, तो मैंने यहां पे भी वो कवर कर दिया. फाइन, ओके. तो इसके बाद मैंने बोला था कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन आने के खूब सारे चांसेस आ देयर. सो नाउ लेट मी डिस्कस अ फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम एसिडिक प्रॉपर्टीज. देखो, सबसे पहले
I have written in text question 12.8. Just give me a second. In text 12.8, yes. Question hai, which of the which acid of each pair would you expect to be stronger? मतलब कुछ कुछ pairs दे रखे हैं और उसमें से बताना है कि strong acid कौन सा है. तो सबसे पहला है CH3COOH और दूसरा है CH2F COOH. तो देखो यार, कभी भी एसिडिटी का क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहली चीज क्या करोगे, रिमूव H+ रिमूव कर दो एंड लुक एट द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन सो फॉर्म्ड. अगर कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबल होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी. तो यहां पर दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बट F इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग. ये इससे खींचेगा, ये इससे खींचेगा, तो नेगेटिव डिक्रीजेस, मतलब दिस बिकम स्टेबल. सो आई विल से CH2F COOH इज मोर एसिडिक कंपेयर टू CH3COOH. ठीक है, अगेन आई थिंक मेरे फोन में बैटरी कम है, सो जस्ट नोट डाउन दिस थिंग, लेट मी चेक इट एंड देन आई कंटिन्यू फर्दर. यार इट वॉज राइट, सही टाइम पे आई जस्ट वेंट टू चेक कि मेरे फोन का स्टोरेज एकदम खत्म हो गया था, तो गुड, मुझे नहीं तो दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ता. इट्स गुड आई चेक. ओके, सो या आई वॉज देयर विद एसिडिक कैरेक्टर वाला क्वेश्चन. द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन सेज यू हैव CH2F COOH. अच्छा, इसी से ही कंपेयर करना है CH2F COOH एंड जो दूसरा है दैट इज CH2CLCOH. CH2CLCOH. अब इन दोनों में से बताना है विच इज मोर एसिडिक. अब मैंने कितनी बार बोल दिया, एसिडिटी कंपेयर करने के लिए यू हैव टू रिमूव H+, O- लगा दो एंड सी की इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है. आउट ऑफ F एंड CL दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, आई एग्री, बट F इज मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इट्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा खींचेगा, ज्यादा खींचेगा, नेगेटिव डिक्रीजेस एंड हेंस दिस इज मोर एसिडिक कंपेयर टू दिस पार्ट. ठीक है, सो ये वाला पार्ट इज ऑल्सो क्लियर. लेट मी मूव टू द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. देखो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, इट सेज CH2CH2COOH इसको कंपेयर करना है विथ CH3CHF CH2COOH. यस यार, काम सेम रहेगा, रिमूव H+ रिमूव करो, नेगेटिव लगाओ, H+ रिमूव करो, नेगेटिव लगाओ, लेट्स सी विच इज मोर स्टेबल. तो ये मतलब F बहुत ही दूर है, ये इससे लेगा, इससे लेगा, इससे लेगा, इससे लेगा, मतलब F इज टेकिंग बट सिंस इट इज फार अवे इट इज नॉट एबल टू टेक एज मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम O-, है ना. बट यहां पर F इज क्लोज, तो ये इससे लेगा, ये इससे लेगा, ये इससे लेगा, मतलब वी नो इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट. तो यहां पर सिंस F इज क्लोज टू O-, ज्यादा खींचेगा, नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा एंड हेंस दिस विल बी मोर एसिडिक. ठीक, ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वी हैव CF3, देन वी हैव बेंजीन एंड COOH एंड यहां पर क्या है, इंस्टेड ऑफ CF3 वी हैव CH3 बेंजीन COOH. यार इनमें से अब कोई भी एसिडिटी वाला क्वेश्चन आएगा तो कर पाओगे, राइट. अब देखो H+ हटा दो, H+ हटा दो, लेट्स कंपेयर दिस. F इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, सो दिस विल टेक द इलेक्ट्रॉन्स टू इटसेल्फ, नेगेटिव डिक्रीजेस एंड हेंस इट इज मोर स्टेबल. बट CH3 तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो नेगेटिव इंक्रीज होगा एंड हेंस लेस स्टेबल, लेस एसिडिक. ठीक है, सो दिस वॉज क्वेश्चन, इंडेक्स क्वेश्चन 12.8 बेस्ड अपॉन एसिडिटी. आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर. तो ये हो गया, नाउ लेट्स डू टेक्स्ट बुक क्वेश्चन 12.12. गिव मी वन सेकेंड. सो वी हैव टेक्स्ट बुक 12.12 का सेकेंड पार्ट यू हैव टू डू, नहीं थर्ड पार्ट यू हैव टू डू. यस, दिस इज ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ. एक बार देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है. यू हैव बेंजोइक एसिड, देन यू हैव 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड. नाइट्रो ग्रुप लगा दो फोर्थ पोजिशन पे. And then we have 3,4-dinitrobenzoic acid.
This should be COH. Third pe and fourth pe, dinitrobenzoic acid. And the last I have, 4-methoxybenzoic acid. Yaar, ye to electron donating group hai. If it is electron donating group, it will be least acidic because O minus banega, to ye negative charge ko increase karega. To ye to number 1 pe hoga, sabse kam. Isse zyada hoga benzoic acid, kyunki na to koi dene wala hai, na koi lene wala hai. No minus I, plus I, nothing. Yahan par we have only one NO2 group, here we have two NO2 group. NO2 is electron withdrawing. So this is the best and then this. So we have 1, 2, 3, 4. This is the order of acidic strength. ठीक है? I hope ये वाला question भी clear हो गया. अब इतने सारे acidic strength के questions कर लिए हैं, इनमें से कोई ना कोई question तो आएगा ही paper में. So you should not worry about questions related to acidic property now. Fine? चलो. यहाँ तक हो गया. Let us move to the next question. I have written textbook 12.20. 12.20. Okay. This is also based upon acidic strength. ये क्वेश्चन है, वो बोल रहा है, this is a theory question. Although phenoxide ion has more number of resonating structures than carboxylate ion, but still carboxylic acid is a stronger acid than phenol. That's an obvious thing. देखो, phenol बनाओ, and you make carboxylic acid. If I ask you which is stronger acid, तो यार कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिड इसलिए कहते हैं बिकॉज इट्स अ गुड एसिड, है ना. तो अगर इट लूजेस एच प्लस तो व्हाट इट विल बी फॉर्मिंग, सीओओ माइनस, एंड दिस इज इन रेजोनेंस विद ये इधर सीओ माइनस डबल बॉन्ड ओ. ठीक है, ये दोनों सिर्फ दो ही स्ट्रक्चर्स हैं, बट दीज आर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. और ये बात प्लीज याद रखो, equivalent resonating structures बहुत 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 stable होते हैं compared to n number of resonating structures you draw. Phenoxide ion के structures draw करके देखती हूँ. This comes here, this goes here. Now this goes here, this goes here. Now this goes here, this goes here. And finally this comes here, this comes here. आई एग्री कि इसमें 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, बट इसमें सिर्फ 2 बनते हैं. भाई सब क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती है. सो दैट्स द रीजन, बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड हैज इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विच आर मोर स्टेबल, एंड हेंस बेंजोइक एसिड इज सेड टू बी मोर एसिडिक कंपेयर्ड टू फिनोल. ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है फॉर 3 मार्क्स. आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर. अब आई हैव सर्टेन टेक्स्ट बुक क्वेश्चन विच आर इंपॉर्टेंट, मतलब 20 आर देयर, उनमें से जो जो मुझे लगता है कि दीज कैन बी आस्क्ड या दीज हैव बीन आस्क्ड, दीज आई एम डिस्कसिंग विद यू. फाइन, तो ये तो बेयर मिनिमम करके जाओगे ही जाओगे. लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग टेक्स्ट बुक 12.10. वन सेकेंड, यस, दैट्स ऑल्सो एबीसीडी वाला क्वेश्चन. वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. अब ये चैप्टर ज्यादा वेटेज का है तो थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, तो रो मत, इट्स ओके, नॉट अ बिग डील. चैप्टर आ रहा है तुम्हें यार, 6 नंबर लेके आओगे. एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H10O. C9H10O, ठीक है, फॉर्म्स 2,4-DNP डेरिवेटिव. 2,4-DNP के साथ इट शोज रिएक्शन. इसका मतलब क्या कि इट विल बी ईदर एल्डिहाइड और इट विल बी अ कीटोन. इट रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट. अगर वो टॉलेंस को रिड्यूस करता है, मतलब इट्स एन एल्डिहाइड बट इट इज नॉट कीटोन. अब हमें सिर्फ एल्डिहाइड तक सोचना है. देन इट सेज एंड इट अंडरगोज केनिजारोस रिएक्शन. केनिजारो रिएक्शन देगा, मतलब इट हैज नो अल्फा हाइड्रोजन. ठीक है यहां तक. अब ही सेइंग On vigorous oxidation, it gives 1,2-benzene-dicarboxylic acid. अगर vigorous oxidation करते हैं तो हमें मिलता है benzene 1,2-dicarboxylic acid. Now he is asking, you have to identify the compound.
अगर दो जगह पे कार्बन है और बेंजीन रिंग है, मतलब एंड द फॉर्मूला इज C9H10O, सो द कंपाउंड शुड बी समथिंग लाइक दिस, कि बेंजीन तो रहेगी रहेगी, यहां पे कुछ होगा एंड यहां पे कुछ होगा, मतलब बोथ ऑफ द टू थिंग्स हैव टू बी कार्बन, ठीक है. अब उसने बोला इट रिएक्ट्स विद 2,4-DNP और अगली लाइन में बोला इट इज एन एल्डिहाइड, तो एक तो एल्डिहाइड बना दो COH, ठीक है. अब एक बार देखना हाउ मेनी, अब इसको छोड़ दो एक बार, नाउ काउंट द फॉर्मूला फॉर दिस पर्टिकुलर कंपाउंड. सो इट शुड बी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 हाइड्रोजन यहां यूज हो गए, हाइड्रोजन 7 कार्बन हो गए यूज, यहां देखो 1, 2, 3, 4, 5, 5 हाइड्रोजन एंड 8 ऑक्सीजन हैज बीन यूज. फॉर्मूला क्या था, C9H10O, मतलब ऑक्सीजन तो एक ही था, नो अदर ऑक्सीजन, वी हैव 2 कार्बन एंड वी हैव 5 हाइड्रोजन. C2H5 इथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप का मतलब वी शुड हैव अ CH2CH3 हियर, सो दिस शुड बी द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड. अब देखते हैं C9H10O, 6, 7, 8, 9 C9 H देखो 3, 3, 3 और 2, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 एंड ओ. तो चलो फॉर्मूला तो सेटिस्फाइड है. Will it react with 2,4-DNP? Yes, it's an aldehyde. It will react. This is also clear. Will it reduce tolerance? Yes, it will reduce tolerance. It will form COO-. Will it undergo Cannizzaro's reaction? Yes, it will. It will form COOH and CH2OH because there is no alpha hydrogen. That's cool. And with vigorous oxidation, what will it form? I told you, CHO will be oxidized to carboxylic acid. And अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, एल्काइल ग्रुप अगर बेंजीन पे है तो इट विल ऑल्सो फॉर्म बेंजोइक एसिड. यस, सो दिस इज सैटिस्फाइड, ठीक है. दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो गुड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, तो अच्छे से लिख लो, अच्छे से नोट डाउन कर लो. नाउ वी हैव 12.11, वन सेकेंड, वी हैव 12.11, दैट्स ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन. Let's see what's the question saying. It says an organic compound A, ठीक है, एक compound A है, whose molecular formula is C8H10O2. One second. C8H10O2. यार मेरी आंखें सही नहीं है तो एक बार दोबारा देख लेती हूँ. C8H10O2 was hydrolyzed with dilute sulfuric acid. Dilute H2SO4 के साथ hydrolysis करी है, मतलब पानी डाला है. To give a carboxylic acid B, B is carboxylic acid and an alcohol which is C. Oh bhai, anything which is giving carboxylic acid and alcohol on reaction with water and H2SO4, तो ये बात तो clear है, it has to be an ester, है ना. अब it says oxidation of C with chromic acid produces B. अगर C is treated with HCRO4, मतलब we are doing the oxidation, it is giving you carboxylic acid again, ठीक है. C on dehydration gives but1ene. C की if I do concentrated H2SO4 के साथ heating, you know right, dehydration is concentrated H2SO4 and heating, it is giving you but1ene. Yes, so you have to write the equations for the reaction involved and identify A, B and C. देखना कि एक alcohol है जिसके reaction करेंगे concentrated H2SO4 के साथ, it is giving me alkene. So what will be that alcohol? तो C हो सकता है CH3, CH2, CH2, CH2OH, या तो butane 1 all हो सकता है. Another possibility is it can be butane 2 all because only these two alcohols will give but1ene as the product, ठीक है. और भी एक बात सोचो जरा, अगर I am doing the dehydration of this thing, तो there will be two alkenes that will be formed. एक बनेगा but1ene and one will be but2ene. And but2ene will be the major product. But question में तो बोला है it gives only but1ene. मतलब ये किससे बनेगा? This would have been formed from
ब्यूटेन वन ऑल, ना कि ब्यूटेन टू ऑल, क्योंकि ब्यूटेन टू ऑल की डिहाइड्रेशन से वी वुड हैव गॉट ब्यूट टू इन, नॉट ब्यूट वन इन. तो चलो सी कंपाउंड तो क्लियर हो गया, दैट दिस इज आर कंपाउंड नंबर सी. रिएक्शन इन्वॉल्व, रिएक्शन भी मैंने सिखा दी, ठीक है. अब वो बोल रहा है सी की ऑक्सीडेशन करते हैं, इट विल फॉर्म बी. इसकी ऑक्सीडेशन करूंगी तो क्या बनेगा? एल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन, विग्रस ऑक्सीडेशन विल प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड. सो दिस शुड बी द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड नंबर बी. OH जो हैज टू बी कन्वर्टेड टू COH, मतलब दिस CH2 विल गेट ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है. तो ये हो गया. अब व्हाट शुड बी द एस्टर? एस्टर कैसे बनाते हैं? CH3, CH2, CH2, CO, O, CH2, 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 CH3. मतलब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन से एस्टर बनता है ना. एक बार मैच करके देखना फॉर्मूला. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. हाइड्रोजन कितने? 3, 5, 7, 9, 11, 13, 16. ओह, कुछ गलती कर दी. CH8. सो लेट मी जस्ट चेक वन सेकेंड. CH3, CH2, CH2, CH3, CH2, CH2, COO, CH2, 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 CH3. ठीक है. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, O2. Yeah, my bad. I have written it as C8H10O2. This is C8H16O2. मैंने पहले ही कहा था मेरी आईज खराब है, and it was written very छोटा छोटा. So yes, this is the ester. I समझ. So this question is also a good question. ABCD वाला है. So I thought I'll discuss this question. ठीक है? Okay. इतना करने के बाद we have another question which is 12.17. Yeah, 12.17 में ना 11 parts हैं. And you can expect, मतलब this is the last question which I'm going to discuss. From these 11 parts of question 12.17, for sure, एक part paper में आएगा ही आएगा. तो let me start discussing all these 11 parts, ताकि यार कुछ दो तीन number तो full on grab कर लें. Hardly it will take 5-7 minutes, 1 minute per question maybe, or maybe less, and then we'll be done with the chapter, aldehydes, ketones, carboxylic acid. So, पहला है इथाइल बेंजीन एंड यू आर डूइंग इट्स रिएक्शन विद KMnO4. मैंने पहले भी बोला था KMnO4 की रिएक्शन आएगी पेपर में. सो व्हाट विल हैपन? कुछ भी हो विल गेट कन्वर्टेड टू बेंजोइक एसिड. दैट्स इट. सेकेंड पार्ट, यू हैव COOH एंड यू आर डूइंग इट्स रिएक्शन विद SOCl2 एंड यू आर हीटिंग इट. SOCl2 पता है, इट्स अ वेरी 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 गुड क्लोरीनेटिंग एजेंट. तो बस कुछ नहीं, इट विल फॉर्म COCl. ठीक है, सिंपल. इट्स अ गुड क्लोरीनेटिंग एजेंट, कैन कन्वर्ट कार्बोक्सिलिक एसिड टू एसाइल हैलाइड्स, एसाइल क्लोराइड्स. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज C6H5CHO एंड इसकी रिएक्शन करा रहे हैं NH2CO, NH, NH2. ओहो, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. एक क्वेश्चन में मतलब भूलते भूलते रह गई ना, मुझे याद आ गया. दिस इज सेमी कार्बाजाइड. NCERT में एक क्वेश्चन है विच इज 12.18 का सेकेंड पार्ट, कि सेमी कार्बाजाइड में 2-3 नाइट्रोजन होते हैं, बट ओनली दिस पर्टिकुलर नाइट्रोजन विल बी इन्वॉल्व इन हाइड्राजोन फॉर्मेशन. ऐसा क्यों होता है? मतलब आई शुड हैव रिटन इट लाइक NH2NH CO NH2. देखो कुछ नहीं करना, दिस इज COH. ये जो हाइड्राजीन हाइड्रोजोन की टेबल दे रखी है ना NCERT में, उसी का क्वेश्चन है. ऑक्सीजन दिखा, NH2 दिखा, दोनों को आमने सामने रखो, पानी निकलवा दो. व्हाट विल हैपन? लेट मी जस्ट रिमूव दिस. तो अगर दोनों में से पानी निकलवाऊंगी, व्हाट विल हैपन? सी, इट विल फॉर्म अ डबल बॉन्ड विथ नाइट्रोजन एंड दीज विल रिमेन एज सच. दिस इज सेमी कार्बाजाइड एंड दिस इज सेमी कार्बाजोन. 12.18 का सेकेंड पार्ट ये पूछता है कि ये और ये वाला नाइट्रोजन क्यों नहीं रिएक्शन करता. सी, ये और ये नाइट्रोजन के जो लोन पेयर्स हैं, दीज आर ऑलरेडी इन्वॉल्व विद इन रेजोनेंस विद सी डबल बॉन्डो. देखो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, दीज आर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस. मतलब दीज लोन पेयर्स आर
not available for attack. Agar these are not available for attack, that is why ye wala jo loan pair hai, it goes for the attack and this will be the product formed. ठीक है? तो ये दो question हमने एक ही question में cover कर लिए कि these two are already involved in resonance with C double bond O. These are not free to attack. That is why जो corner वाला NH2 है, that will go and attack. Clear हो गया? चलो. Now moving to the next question. That's a conversion question. बेंजीन से ये कैसे बनाओगे? देखो, let me change the marker. बेंजीन से we have to prepare this. मतलब I am adding this particular group onto the benzene ring. Friedel-Crafts acylation नहीं करा सकते हैं. I'll take C6H5COCl in the presence of anhydrous AlCl. Anhydrous AlCl3. क्या बनेगा? ये पूरा का पूरा group benzene पे आ जाएगा. That's it. So that's an example of clear-cut Friedel-Crafts acylation reaction. पहले भी I told you this question. दुबारा I am telling you that this question is good. ठीक है? Okay. Next is next part of the question says ये है. इसके अंदर हमने डाला Ag NH3 twice plus. AgNH3 twice plus याद है, this is nothing but silver mirror test, tollens reagent का test. Tollens test ketones तो देते नहीं है, it's only given by aldehyde. तो what will happen? ये ketone वाला group will remain same and this will be oxidized to form COO minus. ठीक है, that's it, यही तो था. आगे देखो, we have benzene पे COH and COOH. And this has to be treated with NaCl in the presence of HCl. Cyanohydrin वाली reaction याद है? अगर cyanohydrin वाली reaction नहीं याद, तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है. This is Na plus CN minus. Attack कराओ CN minus का on aldehyde. That's it. क्या बनेगा? COOH will remain as such. This will form O minus H and CN. और HCl है, मतलब hydrolysis कर रहे हैं, पानी है. So it will finally form COOH, CH, ON, CN. मतलब it will form cyanohydrin. That's it. Simple सा question था. ठीक? तो यहाँ तक अगर हो गया, let me continue further. So six parts we have done. Five more parts are left. Give me a second. Next part कह रहा है C6H5CHO. इसकी रिएक्शन करेंगे हम विथ CH3CH2CHO. एंड द रिएक्शन इज टू बी डन विथ डाइल्यूट NaOH एंड हीट. ये बात पता है, अब तक तो पता होनी चाहिए भाई, ट्वेल्थ का पेपर आने वाला है, कि वेर एवर यू हैव डाइल्यूट NaOH एंड यू आर हीटिंग, इट्स एंड हीटिंग ऑल्सो. तो मतलब ये है एल्डोल रिएक्शन एंड दिस इज कंडेंसेशन. अगर हीटिंग नहीं होती तो यू विल जस्ट राइट एल्डोल, बट हीटिंग भी है सो इट्स एल्डोल कंडेंसेशन. तो पहले तो यहां से स्टार्ट करो, CH3CH2COH. लुक एट दिस कार्बन विच इज अल्फा कार्बन, तो इट विल लूज हाइड्रोजन टू फॉर्म CH3CH माइनस एंड COH. अब इसकी रिएक्शन कराओ विद बेंजल्डिहाइड. व्हाट विल हैपन? दिस विल गो अटैक हियर, दिस विल गो ऑन द टॉप. क्या बन जाएगा? O minus CH CH3 COH. ठीक है, अब H plus है तो यहां पे पानी बनवा दो. उसके बाद क्योंकि आई एम हीटिंग, सो व्हाट विल हैपन? दिस कार्बन विल लूज हाइड्रोजन, दिस कार्बन विल लूज OH. तो यू विल गेट CH डबल बॉन्ड C CH3 COH. ये कंपाउंड तब बनेगा अगर हीटिंग वुड हैव बीन मेंशनड. इफ नो हीटिंग, जस्ट राइट टिल हियर. सो दैट्स एन एग्जांपल ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन. क्लियर हो गया? मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट पार्ट, वी हैव CH3CO. गिव मी वन सेकेंड. ये चैप्टर थोड़ा लंबा हो गया है बिकॉज सो मेनी क्वेश्चन आर देयर जिसके चांसेस हैं कि इनमें से आ सकता है. CH3CO
Then we have CH2COOC2H5. CH2COOC2H5 mein, what are you adding? You are adding NaBH4 and H+. Yaar, ye bhi kiya tha. NaBH4 cannot reduce esters, it can only reduce aldehydes and ketones. So this part will remain the same. Yahan pe ketone will get converted to alcohol. Simple. ठीक है, आगे देखो. Now we have ki, okay, this is the last part in my book, which is ये नहीं है. We have something like this OH and you are adding CrO3. तो जैसे CrO2 Cl2 डालते हैं, CrO3 डालते हैं, it will get converted to. अच्छा, एक काम करो, मुझे इसका आंसर देख के बताओगे कि व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. आई एम नॉट टेकिंग दिस क्वेश्चन हियर. आई वांट यू टू टेल मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. इट्स अ रियली गुड क्वेश्चन. ठीक है, अब मैं लास्ट पार्ट कराती हूं, विच इज किससे स्टार्ट करें टू डू द ओजोनोलिसिस टू गेट टू मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस कंपाउंड. तो क्या करते हैं, जिनके दो मॉलिक्यूल्स है ना, उनको आमने सामने लिख लो. दैट्स इट. उसके बाद ये दोनों ऑक्सीजन हटा दो और ये बॉन्ड को ज्वाइन कर दो. सो यू विल बी स्टार्टिंग विद दिस मॉलिक्यूल टू गेट ओजोनोलिसिस एंड ये विल दिस विल बी फॉर्म्ड. ठीक है, सो गाइज, दीज वर ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड. यू कैन इजिली एक्सपेक्ट कि इनमें से काफी क्वेश्चंस आ सकते हैं. अगर इतने क्वेश्चंस बेयर मिनिमम करके जा रहे हो तो और क्वेश्चंस करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, इनमें से ही क्वेश्चंस पेपर में आते हैं. ठीक है, सो विद दिस लेट मी वाइंड अप विद द लेक्चर. मेक श्योर यू आर रेगुलर विद द वीडियोस, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो दैट आई विल बी अपलोडिंग इज फॉर द चैप्टर अमीन्स. तो भाई सब्सक्राइब कर लो चैनल को फटाफट, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड यस सब्सक्राइब इट, बिकॉज नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए यार लेट नहीं होना चाहिए, है ना. चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय.